शाहजहांपुर में शहर कोतवाली क्षेत्र के गर्रा शमशान घाट पर एक युवक की गोलियां मार के हत्या की गई है, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये गर्रा पुल के पास में मोक्षधाम के वहाँ पर घटना स्थल है। वहाँ पर अखिलेश गुप्ता, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, जो कि थाना कोतवाली के HSB है, उनकी गोली मार हत्या की गई है। इस क्रम में मौके पर आकर जो क्राइम सीन है उसको सिक्योर किया गया है और सारे एविडेंसेस फोरेंसिक टीम के द्वारा हमारे दिए गए हैं। साथ ही साथ जो हमारी 3 टीम है इसके लिए लगाई गई है, डेड बॉडी उसको मोर्चरी में रखवाया गया है, उसके PM की जो कार्रवाई है वो करवाई जा रही है। जल्दी इस घटना के संबंध में जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस पर मुकदमा दर्ज कर जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है, मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या है खबर, डालते एक नजर। और कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बालत राय में उस समय हड़कंप मच गया जिस समय अखिलेश गुप्ता की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, ताबड़तोड़ गोलियां मारी। जब तक हत्यारे गोलियां बरसाते रहे जब तक अखिलेश गुप्ता की सांसें नहीं छूटी। आपको बता दें गर्रा स्वर्ग धाम में लकड़ी की टाल पड़ी हुई थी अखिलेश गुप्ता की, बाखूबी आप देख रहे हैं। अखिलेश गुप्ता बाप का नाम वीरेंद्र गुप्ता, निवासी मोहल्ला बालतराई अब्दुल्लागंज के रहने वाले हैं और गर्रा स्वर्ग धाम में लकड़ी का ठेका चलाते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग आने के बाद में गर्रा स्वर्ग धाम में लकड़ी की टाल पर बैठे थे, अचानक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई अखिलेश गुप्ता के ऊपर। हालांकि घटना स्थल पर ही मौत हो गई, कई गोलियां लगी हैं। परिवार के लोगों ने सुना आनंद फानंद मेडिकल कॉलेज भागते चले आए, लेकिन जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। पुलिस भी भारी संख्या में पहुंची और यहां तक आपको बता दें पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा घटना स्थल पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में पूरा जायजा लिया। लेकिन आपको बता दें कि परिवार में कोहराम, बड़ी घटना, आखिरकार हत्यारे क्यों हत्या करी। यहां तक आपको बता दें अखिलेश गुप्ता गले में सोने की चैन पहने हुए थे, परिवार के लोगों ने उनके सोने की चैन उतारी। इससे यह साबित होता है कि हत्यारे लूट करने के इरादे से नहीं आए थे, सिर्फ जान लेने के लिए आए थे और जान भी जब तक गोलियां बरसाते रहे जब तक जान नहीं निकल गई अखिलेश गुप्ता की। हालांकि मोहल्ले में सनसनी फैल गई। अखिलेश गुप्ता वैसे तो क्षेत्र में आपको बताते वर्चस्व था अखिलेश गुप्ता का, लेकिन अखिलेश गुप्ता से गरीब आदमी खुश था। कोरोना काल में अखिलेश गुप्ता ने कुछ मिट्टियां भी स्वर्गधाम में कराई और यहां तक धार्मिक कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। लेकिन आपको बता दें जो आप देख रहे हैं अखिलेश का भतीजा फूट फूट कर रो रहा है, लेकिन कुल मिला के परिवार में मातम। बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची लेकिन हत्यारों का सुराग कभी नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने बारीकी से जायजा लिया। उनका यह कहना था कि जल्द होगा खुलासा, लेकिन आपको बता दें जिस समय पुलिस लकड़ी की टाल में से शव को उठा के ले गई तो मेडिकल कॉलेज ले जाने के बाद में डॉक्टरों ने देखा और देखने के बाद तत्काल हाथ खड़े कर लिए। क्यों? क्योंकि गोलियां ताबड़तोड़ गोलियां लगी थी अखिलेश गुप्ता के, बचने की कोई चांस नहीं क्योंकि हमलावर इसी इरादे से आए थे। उनका ये मानना होगा कि अखिलेश गुप्ता को जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। आखिरकार कुल मिला के बाखूबी आप देख रहे हैं कोतवाली के इंस्पेक्टर के साथ बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची और पहुंचने के बाद में अखिलेश गुप्ता को गाड़ी में डाला और डालने के बाद में मेडिकल कॉलेज में लेकर आए, लेकिन वहाँ मृत घोषित हो चुके थे। विस्तार से पूरा नज़ारा हम आपको दिखाते हैं।
उनका भाई भी बैठा, इनका प्लेन है अखिलेश का भाई कहाँ था, वो कहाँ था आपके चाचा की गोली जो लगी है, आपको कैसे पता लगा कि गोली लगी और क्यों? हमें बुआ ने फोन किया था। बुआ कौन? तारा बुआ ने। तारा ने? हम समझे उनकी लड़ाई हो रही है। क्या नाम है आपका? हमारा राजू। राजू, किस तरह से हत्या की गई है अखिलेश की और क्या आपको पता चला था? हमें तो साहब, हम तो सो रहे थे घर पे जाके, अभी जब मालूम हुआ, जब छोटा भाई चचेरा गया कि अखिलेश की गोली किसी ने मार दी, तो हम लोग सब जने भागते हुए आए। तो कोई रंजिश चल रही थी किसी से? क्या मुझे तो ये बात को पता नहीं कि किससे रंजिश, किससे नहीं रंजिश है, और ये तो भगवान जाने कि मतलब किससे रंजिश है, मुझे तो कुछ इस मामले में मालूम नहीं। क्या काम क्या करते थे? उनका ठेकी का काम है, लकड़ी का, शमशान अजीजगंज में। कहाँ गोली कहाँ मारी गई? एक सर पे मारी यहाँ और दूसरी सीने पे मारी। कहाँ थे ये जब गोली मारी गई? तो ये मरगढ़ में बैठे थे, अजीजगंज मरगढ़ में बैठे थे। किसी से कोई रंजिश कोई बताया कभी? ऐसा तो कुछ नहीं हमें मालूम पड़ रहा है। अच्छा, रोज बैठते थे या आज बैठे आ गए? वो तो जब आप तो देखते थे कि जब मूड हुआ तब चले आए, जब मूड हुआ तब चले गए। उनका तो खैर घर से और मरगढ़ से घर, खाली विजय ही काम था। Hello friends, you're watching KJN India News, myself Mansi Arora. Once again, I welcome you all friends on the channel. If still you have not subscribed to our channel, then first subscribe it or press the bell icon. So in the future, whenever any of the next video will come, it will first give you the notification.